खाते जाए लोग। हज़रात उलमाए किराम, आज आलमगीरी बादशाही मस्जिद में हमने एक मुलाकात पीस के हवाले से यहाँ रखी है, जिसमें हमारे जापान से आए हुए मेहमान जनाब हुमायूं मुग़ल साहब मेहमान खसूसी हैं। हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अमन तब ही हो सकता है जब हम सब मिलकर इस पर कोशिश करेंगे, इस पर अमल करेंगे और इसको आगे लेकर हम चलेंगे। आज ज़रूरत इस बात की है रहमान रहीम, हज़रात उलमाए किराम, आज की ये नशस्त पीस के हवाले से यहाँ पर मुनक्किद की गई है, जिसमें हमने एक मुलाकात उलमा के साथ रखी है और आज हमारे इस महफिल के मेहमान खसूसी हमारे भाई हुमायूं मुग़ल साहब हैं, जो कि जापान से तशरीफ़ लाए हैं। हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अमन उसी वक्त कायम हो सकता है जब हम सब मिलकर इसके लिए कोशिश करेंगे, काविश करेंगे। तमाम मज़हब जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मज़हब अमन, मोहब्बत, प्यार की बात करता है और हमारा जो मज़हब है इस्लाम जिसे कहते हैं, वो तो है ही सलामती और मोहब्बत का नाम। तो आज हमें कोशिश करनी है कि पूरी दुनिया में अमन कैसे कायम हो सकता है, जिसके लिए हम पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। मैंने इनसे पहले जब हमारी मीटिंगें भी हुई हैं, बातचीत भी हुई है, इनको आगाह किया कि हमारे वालिद हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद, जो कि इनसे भी बड़ी मोहब्बत करते थे, 30 साल इधर मस्जिद में रहे और पूरी दुनिया में इंटरफेथ के हवाले से हो, अमन के हवाले से हो, उम्मत के इत्तेहाद के हवाले से हो, जो उनकी कोशिश काविशें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं और वो बानी थे इन तमाम कामों के। तो हम इसको लेकर इंशाअल्लाह चलेंगे। यहाँ पर जितने वाकयात हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जाकर वहाँ पर अमन की शमा को रोशन किया और ये उलमाए कराम जो आपके सामने इस वक्त तशरीफ़ फरमाए, ये सब दाई इत्तेहाद हैं, दाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हैं, ताल बैनुल मज़ाहिब हैं। इन्होंने हमेशा मोहब्बत और प्यार और शांति को फ़रोग दिया है। मैं ये समझता हूँ आपसे आज की ये मुलाकात और ये पीस की जो छोटी सी मीटिंग हमने रखी है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगी दुनिया के लिए और ये इत्तेहाद के लिए, प्यार के लिए, इससे हम दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा वक्त आपको दिया जाए और आपसे ये बातें सुनी जाएं, तो मैं तारुफ आपके सामने इन उलमा का करा देता हूँ। ये आपकी लेफ्ट साइड पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मुबशर साहब बैठे हैं,
जो शेख उल हदीस है माशाअल्लाह, कई सौ उलमा फारिग हो चुके हैं इनसे, और आपकी राइट साइड पर मुफ्ती मकबूलुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं मजलिस उलमाए पाकिस्तान, और बड़ा काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। और इसी तरह हजरत मौलाना अल्ताफ गोंदल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये ख़त्म नबूवत के मरकजी रहनुमा हैं और हमारी जमात इंटरफेस से भी इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी तरह हजरत मौलाना तशरीफ रहे सैफुल्ला साहब नासिर साहब, ये भी बड़ा काम कर रहे हैं पीस के हवाले से। ये हजरत कारी जहूर अहमद साहब हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत काम कर रहे हैं। इसी तरह सैफुल्ला निज़ामी साहब हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं पूरे पाकिस्तान सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं, और साहबजादा अब्दुल कबीर साहब हैं, कारी ताउल मन्नान साहब हैं, ये पूरे पाक अफसर हैं, आलिमों में शामिल हैं माशाल्लाह। इसी तरह काम दे रहे हैं मौलाना फारूक साहब हैं, इसी तरह वो मौलाना अल्लाहुल्लाजीज़। हम ये समझते हैं कि जो साथी बाहर से ज़ाहरीन आए हैं ये भी चाहते, क्योंकि असर की नमाज के वक़्त लोगों की अपनी अपनी मसरूफियात। आप लोगों के सामने कोई लेक्चर देने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग उलमाए कराम हैं, मैं सीखने वाला हूँ, तालिबे इल्म हूँ, काफ़ी चीज़ें आपसे सीखनी है मुझे। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिकली मेरा पेशा, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, जापान में 22 साल से रहता हूँ, टेलीविज़न से न्यूज़पेपर से मेरा ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो अमन के बारे में आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कि दुनिया में अमन कैसे आ सकता है, और अमन के लिए आपको कुछ मैं इतलात दूंगा, इन्फॉर्मेशन हैं, रिपोर्ट है एक, आप ये समझ लें कोई लेक्चर नहीं है। लेक्चर देना, तकरीर करना, वो माशाल्लाह आप लोग खतीब हजरात हैं, मौलाना इनके सामने, वो बेहतरामी है, मैं तो समझता हूँ, मैं तो इकराम की बात है, मैं उस लेवल का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों को मैं एक रिपोर्ट दे दूँ। आप इस रिपोर्ट को थोड़ा देखें कि जर्नलिस्ट जो है एक रिपोर्ट पीस के ऊपर कैसे तैयार करता है, और उसके अंदर हम उलमाए कराम जो हैं वो किस तरीके से हम इसको मज़हब के साथ लिंक करके अपनी आवाम के अंदर, अपने मुल्क के अंदर अमन ला सकते हैं। अब अमन की कोशिशें तो बहुत हो रही हैं, आप देखें ना पूरे पाकिस्तान में कितने मसाइल्स हैं। मैं दिन को बैठा हुआ था मुफ्ती साहब के साथ, वो बात कर रहे थे, कहने लगे ये पाकिस्तान नहीं है, इसका नाम मसाइलिस्तान होना चाहिए, इतने मसाइल हैं कि ये मसाइलिस्तान बन गए। तो मैंने एग्री किया, मैंने कहा ज़रूर आपने, मैं आपके इतफ़ाक़ करता हूँ उस बात से। तो आज मेरी ख्वाहिश होगी, असल में टाइम भी थोड़ा है, इतनी बात भी नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ स्लाइड्स चार्ट्स तैयार किए हैं कि एक एक आपको चार्ट दिखाता जाऊँ और आप उसको टिक करते जाऊँ, और उसके बाद इस एक एक कॉपी मैं आपको भी दे दूंगा कि आप उसको डिटेल में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, गौर और फिक्र जो है आप बाद में वापस जाके कीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ, अपना एक तरीका है मेरा ना, ये कहते जब तक आपका दिल का सुकून नहीं है, ठीक है, दिल में सुकून होगा, दिल में अमन होगा तो बाहर भी अमन आएगा। जब आपका दिमाग जो है उसके अंदर सुकून नहीं है तो बाहर कहाँ से आएगा अमन, ठीक है ना। तो मेरी जो आज की रिपोर्ट है वो सारी बात जो है वो सारी आ रही है अमन के ऊपर। हाँ यहाँ रखते हैं, ये ठीक है, ये बेहतर है। तो अमन जो है वो असल में इंसान के दिमाग में है, हमारी सोच है, तो इस सोच जो है ना ये बड़ा इफेक्ट करती है। उसकी मिसाल ये ऐसे देते हैं कि जैसे अगर आपकी सोच में ना कि आपको एक पता लगे कि कल मेरी लॉटरी निकल आई है, आपको कोई 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, आपके सामने रोटी रखेंगे, आप खुशी खुशी खाएंगे, आपकी बॉडी एक्शन जो है ना बहुत अच्छा होगा, आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, यार मेरा कल 1 करोड़ रुपया निकल रहा है, लॉटरी है ना, एकदम आप सोच बदली होती है। आपको ये इन्फॉर्म दिया जाता है जी आप किसी केस में मुब्तला हैं और पुलिस आ रही है, सुबह आपकी गिरफ्तारी है, ये सोच है। आपका वो खाया पीना सब कुछ हराम हो जाएगा, कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा, बॉडी